हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं आमिर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी मजार शरीफ की ज़ियारत कराने वाला हूं और उसके कुछ रहस्य वाकिया हैं दोस्तों, उसको भी बताने वाला हूँ और आपको सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों कि जो कि अल्लाह के वली हैं दोस्तों, उनकी करामत बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। और देख सकते हैं हजरत डंका शहीद बाबा की ये दरगाह है दोस्तों, जो कि काफ़ी फेमस दरगाह है दोस्तों। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब भाई जो है यहाँ पर आते हैं और अपनी नेकजाई तमन्ना मांगते हैं और उनकी पूरी भी होती है दोस्तों। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये मजार का जो है गेट है, ये मेन गेट है दोस्तों। यहीं से मजार के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको मजार के अंदर चलता हूँ और ज़ियारत कराता हूँ। ये देख सकते हैं मजार शरीफ है और मजार से वीडियो के ज़रिए आप जो है मजार शरीफ की ज़ियारत कर सकते हैं और देखने में अंदर का नज़ारा जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। इस साइड में आपको दिखा दूँ तो इस साइड देख सकते हैं जो सूखे फूल हैं उसे जो ये चारकुन्ना टाइप के बना है इसमें जो रखा गया है। और ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो झूमर लगा है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में दोस्तों। तो अभी मैं जो दोस्तों यहाँ पर आया तो फिर हमने यहाँ पर इन खादिम से पूछा कि यहाँ की क्या करामत है। तो उन्होंने बताया कि मैंने उनसे पूछा कि कई लोग बताते हैं कि ये जो रेलवे की पटरी थी वो इसी मचार के ऊपर से बिछ रही थी। तो दोस्तों जब रेलवे पटरी बिछाई जाती थी दिन में और सुबह जो है दोस्तों वो उखड़ जाती थी, वो हिल जाती थी, उखड़ जाती थी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जहाँ अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी हो दोस्तों, क्योंकि वो अपनी करामत, अपनी जो है जो उनकी करामत है दोस्तों वो करते हैं दोस्तों। इन्हीं की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूरी भी होती हैं दोस्तों। अभी दोस्तों यहाँ के बाहर का नज़ारा भी दिखाएंगे आपको और जो कि काफ़ी देखने में अच्छा है दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर गल्ला वगैरह रखा गया है, जो यहाँ पर जायरीन ज़ियारत करने के लिए आते हैं वो पैसे वगैरह डाल सकते हैं। तो इस साइड देख सकते हैं एसी भी लगा है और पंखे भी लगे हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रबंध किया गया है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर भी झूमर लगा है। तो ये है और ये मज़ार दोस्तों काफ़ी साल पुरानी है। मैंने यहाँ जो बैठते हैं यहाँ पर मज़ार पे उनसे पता किया दोस्तों, क्योंकि वो बता रहे थे कि ये मज़ार जो है काफ़ी साल पुरानी है दोस्तों। और देख सकते हैं ये मज़ार दोस्तों आपको कहाँ पे पड़ेगी इसके भी बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहले चलते हैं और आपको बाहर का नज़ारा थोड़ा दिखाते हैं और वीडियो में आपको बताते हैं ये मज़ार कहाँ पर पड़ती है दोस्तों। तो ये दरगाह शरीफ की अंदर की सीन है दोस्तों, आप देख सकते हैं और ज़ियारत कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ और आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। तो ये दोस्तों है सड़क के साइड का दोस्तों, देख सकते हैं ये रोड है। इसके बाद इसके बगल में आप देखेंगे तो ये मज़ार है और रेलवे की पटरी है उस साइड। तो दोस्तों ये है, यहाँ से आप जो है यहाँ साइड में वजू वगैरह कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं वहाँ पर नल वगैरह लगा है, यहाँ से अपना वजू करके और ज़ियारत वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं ये लाइन है और दोस्तों यहाँ पर ट्रेन जब आती है दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल में ट्रेन आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं यही ट्रेन की पटरी जो दिख रही है दोस्तों, यही जो है ये दरगाह के ऊपर से बिछ रही थी दोस्तों। क्योंकि उस समय जो है दरगाह जो है बनी नहीं थी दोस्तों, उस पर बिछाई जा रही थी। कई लोगों को नहीं पता था दोस्तों, जो काम करने वाले थे उनको नहीं पता था। तो बाद में उनको पता चला कि यहाँ पर अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं उस साइड में जो है दोस्तों रेलवे पटरी को बिछाया गया। तो ये दरगाह शरीफ है, दरगाह शरीफ से आप यहाँ पर चादर वगैरह ले सकते हैं और चढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये दरगाह दोस्तों टुंडही सुल्तानपुर में पड़ती है, आपको अगर आप आते हैं तो आप एक बार यहाँ पर ज़ियारत ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।